तो इनाम बढ़ाऊंगा, इक्यावन भी कर सकता हूँ। मतलब 21 से 51 हो जाएगा अभी, नहीं कर सकता हूँ कभी भी। अरे भाई क्या करना चाह रहे हो? बस तैयार रहो, जो भी भाई चैलेंज एक्सेप्ट करो। इक्यावन करूंगा, पक्का करूंगा, अभी नहीं लेकिन थोड़ा टाइम लेके कर दूंगा। अगर फेल कर देना कर सुमस इसको भी अभी, ठीक है? ये कोई चैलेंजिंग वाली नहीं बनी है, अगर फेल कर देगा तो फिर। अब बात आती है 21,000 रुपए इनाम की। भाई वो क्या टेक्निक है? हाँ जी, क्या हाल चाल आप सबके? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और एक नए वीडियो में। तो आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर एक अकेले शख्स ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है कि उससे अच्छा नूडल्स कोई नहीं बना सकता। अगर कोई बनाकर दिखाता है तो वो 21,000 का इनाम देने के लिए तैयार हैं, वो भी कैश। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा और सभी को बता दीजिएगा कि एक अकेले बंदे ने 5 स्टार की नौकरी छोड़कर नूडल्स की दुनिया में तहलका मचा रखा है। तो हम लोगों को बनाना तो नहीं आता, हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते इस बंदे को कि हम अच्छे से बना सकते हैं, बट खा के आप सभी को बता सकते हैं कि इसके नूडल्स कैसे हैं। तो चलिए आप सभी को लेकर चलता हूँ नूडल्स किंग ऑफ इंडिया पर। अभी हम खड़े हैं नूडल्स किंग के बाहर और चलते हैं अंदर की तरफ। ये हैं यहाँ के शेफ प्रीत भाई, जिनसे हम आज मिलने के लिए आए हैं। क्या हाल चाल प्रीत भाई? अच्छा। तो ये देखिए, ये नूडल्स बना रहे हैं, इन्होंने बहुत सारा अभी बटर डाला और बहुत सारी वेजीज ये लोग डाल चुके हैं और साथ में यहाँ पे रखा हुआ है नूडल्स, मशरूम और ये क्या है? ये है स्प्रिंग ओनियन। स्प्रिंग ओनियन, हरे वाले प्याज जिनको इस लैंग्वेज में बोल देते हैं। और ये बीट रूट पनीर और यहाँ पे अमूल बटर भर भर के रखा हुआ है। अभी पहुँचते हैं भाई की कढ़ाई की तरफ। मशरूम डाल दिए हैं भर के और ये इन्होंने एक बटर की टिक्की डाल चुके हैं। ओ भाई, इसका मतलब पूरी बटर की टिक्की आएगी इसमें, 4 क्वार्टर हैं। बटर की कोई कंजूसी नहीं है यहाँ पे। और भाई सबसे प्यार से बात करते हैं, प्यार से खिलाते भी हैं। बटर हो गया इसके हिसाब से, ये आया मशरूम। भाई मशरूम तो बहुत कम लोग डालते हैं, आप मशरूम डाल लो घर में? मशरूम नूडल्स बना रहा हूँ, ऑनलाइन नूडल्स ऐसी हैं, आप खाओगे ना तो ओरो की तरह हैवी लगेगा गले में। हाँ। और ना ही आपको बाद में खाने के बाद ऐसे लगेगा कि कुछ भारी खाया है। तो कितनी भी खा लेना, वो भी गारंटी मेरी है। ठीक है भाई, देखते हैं आप। मैं चेक करता हूँ, मैं कम्पीट तो नहीं कर सकता, कम्पीट तो शेफ ही करेगा कोई आके। यहाँ पे आ गया नूडल्स। कितना सारा पनीर? कितना सारा पनीर? एक प्लेट इनफ है 3 जनों के लिए। अच्छा, एक प्लेट इनफ है 3 जनों के लिए। हाँ, और उनका प्राइस क्या है? 150 ओनली। 150। अगर रेट के हिसाब से भी देखोगे ना तो दूसरों की जो 80-90 की नॉर्मल नूडल होती है वो रिफाइंड वाली। हाँ। उसकी 2 का वेट और मेरी 1 का वेट उससे ज्यादा बैठेगा और क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी। भाई आज खा के ट्राई करते हैं भाई। ये डाला नमक भाई, ये येलो सा मसाला मैंने कभी नहीं देखा नूडल्स में। ये मसाला ही है घर का पिसा हुआ, अपना घर का पिसा हुआ मसाला है। ये पापा बनाते हैं मेरे, ये पापा का आशीर्वाद है जो मेरे साथ रहता है, इसी से जीत रहा हूँ मैं। बाकी तो नूडल्स तो हर कोई बना लेगा लेकिन इसके बिना नहीं बना पाएगा, इस वाले मसाले के। मतलब आपको ये लगता है ये वाला मसाला मैजिक है? यही है वो, जो भी है इसी के है ना। तो भाई ऐसे तो कोई जीत ही नहीं पाएगा। ये आ गया विनेगर, सोया सॉस, सब ओरिजिनल लगाता हूँ, सब ब्रांडेड है टॉप का। ये आ गया ऊपर से नींबू और लाल मिर्च। एक ये और आ गया मैजिकल मसाला। नहीं नहीं, ये मैजिकल नहीं है, मांस की तो वाली है। अच्छा, हाँ जी भाई आप बैठो, बैठो भैया, बनानी पड़ेगी अब। भाई
भाई मैंने देखा लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं आपके पास। दूर दूर से आते हैं कस्टमर्स, कहाँ कहाँ से आते हैं? कोई हरियाणा से, गाजियाबाद से, हरियाणा तक से लोग आते हैं, मुजफ्फरनगर से भी आते हैं, मुजफ्फरनगर गुड़गांव से भी आते हैं, नोएडा से भी आते रहते हैं। चलो भाई हम भी चेक करते हैं, अभी बंद तो चुकी है नूडल्स, और फिर चेक करते हैं। चैलेंज एक्सेप्ट करना हमारे बस की तो नहीं है क्योंकि हमें बनानी नहीं आती, पर खाना आता है हमें। खाने ना, आप टेस्ट करोगे ना आप खुद बता दोगे। देखो आप घूमते रहते हो जगह जगह, आपने जगह जगह की नूडल्स खाई हैं, आप खाओगे ना तो आप बता दोगे क्या दम है नहीं। पक्का पक्का पक्का। ये सजा दिया गया बहुत अच्छे से, स्प्रिंग ऑनियन बीटरूट डालने के बाद, और एकदम सुंदर सुंदर नज़ारा हो गया नूडल्स का। अब ये आ गया मसाला, ये ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर ओके। ऊपर से आया फोर्क, तब ये जाएगा कस्टमर के पास, और फिर जब ये कस्टमर खा लेंगे तब हम आपके कस्टमर से पूछते हैं कि उनको कैसी लगी। आप अगर फेल कर देना कस्टमर इसको भी अभी, ठीक है ये कोई चैलेंजिंग वाली नहीं बनाई है, अगर फेल कर देगा तो फिर अभी पूछ लेना, तो मैंने बताया तो नहीं उनको भी। नहीं 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 पूछ लेना, अगर अच्छी ना लगे या बोले भी ना नॉर्मल है तो फिर पक्का मैं पूछता हूँ। यहाँ पर बैठने की भी बहुत अच्छी जगह है, और अंदर फ्रिज लगा हुआ है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती रहती है। ये देखिए कितने सारे लोग बैठे हैं जो वेट कर रहे हैं अपने नूडल्स का। वो जो इनाम वाली नूडल्स थी वो आई थी इन सब लोगों के पास, तो अभी पूछते हैं इनसे कैसी लगी और कहाँ से आए हैं। क्या हाल है भैया? बढ़िया भाई। तो अभी नूडल्स आपने खाई? हाँ जी बढ़िया। चेक कर ली? हाँ बढ़िया। कैसी लगी? अच्छा टेस्ट है। ऐसी खाई कभी? मैं जो सोचा था उससे बेहतर है। कहाँ से आए हो आप? गढ़ मुक्तेश्वर जिला हापुड़। मतलब स्पेशल नूडल्स खाने आए हो? लगभग यहाँ से होगा 50-70 के आसपास। 70 किलोमीटर दूर से नूडल्स खाने आए हो। वर्थ है नूडल्स की? हाँ जी। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। थैंक यू। कैसे अंकल जी आप? आपने नूडल्स की इनकी टी शर्ट पहनी हुई है, और मैंने आपको देखा उधर आप काम कर रहे थे, कैसा फील होता है अंकल जी? बहुत बढ़िया जी, बेटा मुझसे आगे पहुंच गया भाई, मुझे 5 साल हो गए काम करते करते। हाँ जी। हाँ बेटे ने अभी संभाला 2-3 साल से। हाँ जी। प्राउड फील होता है अंकल जी, अच्छा लगता है। मैंने आते ही देखा आपने नूडल्स किंग की टी शर्ट पहनी है, तो मेरा मन था अंकल जी बात करने के लिए। धन्यवाद अंकल जी आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। ये आ चुकी है हमारी नूडल्स, और इतनी सुंदर लग रही है देखने में, मज़ा आ रहा है देखते ही, और असली मज़ा आएगा खाने के बाद। तो खाते हैं, ट्राई करते हैं, प्रीत भाई को साथ बिठाते हैं और उनके बारे में जानते हैं और उनसे पूछते हैं सारी बातें। तो ये हमारी नूडल्स आ चुकी है, सामने बैठे हैं प्रीत भाई। क्या हाल प्रीत भाई? बढ़िया। 10 मिनट लूँगा आपके, सबसे पहले टाइम देने के लिए थैंक यू। आपके पास टाइम है नहीं? अरे ऐसी बात नहीं, आप आए यार। और आपका फोर्क कहाँ? एक फोर्क और मंगा। फोर्क आप खाओ। आप नूडल्स खाते हो? नहीं खाते? खाता हूँ मैं तो, 2 प्लेट अराउंड रोज खा जाता हूँ। रोज करने करने भाई चेक करते हैं इतने। सबसे पहले अपना एड्रेस बताओ। मैं रावली विलेज से हूँ जो मुरादनगर के पास है, मुरादनगर से अराउंड 10 किलोमीटर के आसपास होगा ये। ठीक है। रावली रोड जा रही है, अंदर जाके रावली गाँव है, यहीं पर मैं कैनरा बैंक के जस्ट बराबर में नोटिस बनाता हूँ। भाई पहले आप 5-स्टार होटल में जॉब करते थे, वहाँ से छोड़ी, क्यों छोड़ी और क्या सोचा कि यहाँ पर अपने जो बेस जगह है वहाँ पे जाके नूडल्स हम लोग लोगों को खिलाते हैं? मैं अराउंड 10 और 12 ईयर्स से नूडल्स बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग तो गांव से की थी यहाँ से, उसके बाद मैंने कुछ टाइम मुरादनगर भी किया, गाजियाबाद भी किया, लेकिन ये है मेरे को फेमस करनी थी नूडल्स, कि नूडल्स पे ही फोकस है और नूडल्स ही फेमस करनी है, तो उसके लिए मैं बाहर निकला। मैंने 5-स्टार होटल में जाके देखा वहाँ पे क्या है, बनाऊँगा मैं, लेकिन जो नाम होगा होटल का होगा, तो बस नाम उनका क्यों करूँगा यार, मेरे को अपना है ना नूडल्स अपनी फेमस करनी है, तो इसलिए मैंने बाहर आया। मैं आउटलेट मैंने स्टार्ट किया, उस टाइम से वीडियो वगैरह स्टार्ट की डालनी, तो फिर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो अभी ठीक है, बाकी मज़ा आ रहा है अभी काम। आप टेस्ट बताओ, मैं आपका रिव्यू लेता हूँ। ये नूडल्स इतने स्वाद है, मेरा कुछ पूछने का मन नहीं है आपसे। सही में भाई, और मैंने अभी देखा आपके पीछे से, मैंने लोगों से पूछा कि कैसी लगी, अभी आपने एक कस्टमर को खिलाया था नूडल्स, हाँ। और आपने बोला था अगर वो कहेंगे कि बुरी है, अगर ऐसी नहीं खाई है, इससे बेस्ट खाई है, तो फ्री फ्री ये बोला था ना आपने? बोला था भाई। मैंने उनसे आगे पूछा, वो आए थे गढ़ मुक्तेश्वर, 70 किलोमीटर दूर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नूडल्स ऐसी भाई, मज़ा आ गया खा के, मज़ेदार। अब बात आती है 21,000 रुपये इनाम की। हाँ जी भाई, वो क्या टेक्निक है? वो ये है, देखो इनाम तो मैं 1 लाख भी बोल दूँ, 1 लाख तक भी इनाम दे दूंगा, कोई इशू नहीं है भाई। 1 लाख रुपए 1 लाख तक भी इनाम दे दूंगा, लेकिन ये है अगर मैंने 1 लाख इनाम बोल दिया ना, तो फिर घमंड वाली बात आ जाएगी।
कि घमंड कर रहा है, एंड और इसलिए मैंने 21,000 इसलिए बोला हुआ है जिससे लोगों को अटेंशन मिले थोड़ी सी, उनको पता लगे कि हाँ कुछ चीज़ यूनिक बना रहा है, पर टेस्ट करने एक बार आ जाए, इसलिए वो 21,000 बोला हुआ है। बाकी कोई घमंड वमंड इसमें ऐसा कुछ है नहीं अभी तक, कोई आया अभी तक, मतलब लोग आते हैं टेस्ट करते हैं फिर उसके बाद खत्म कहानी। 21,000 रुपए कहते नहीं चाहिए हमें। हाँ जब टेस्ट करने के बाद खत्म हो जाती है कहानी। ये जो प्लेट है, हाँ जी, इसकी क्या कीमत है? ये 120 की हाफ प्लेट है, लेकिन ये एनएफ फॉर टू है। हाँ, और एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी खानी, खा भी लेंगे ऐसी बात नहीं, लेकिन एनएफ फॉर टू है। मसाले हमने देखा, आपने एक सीक्रेट मसाला बताया। हाँ, वो पापा तो नॉर्मल जो डलते हैं वो आपने। हाँ, बाकी सब नॉर्मल सबके जैसे। भाई नूडल्स आपकी एक नंबर है। थैंक यू। मुझे तो बनानी आती नहीं, इसलिए मुझे, मैं इनाम की वजह से आया नहीं था, बट मैं इसलिए आया था खाने के लिए कि देखते हैं क्या चल रहा है। आप तो शूट करते रहते हो, मुंबई भी देखा है मैंने आपका, मुंबई भी जाते रहते हो इधर उधर, आउट ऑफ इंडिया भी शायद एक दो बार गए हो, दुबई मैं है ना, तो आपको, आपने खाई होंगी बहुत जगह नूडल्स खाई होंगी, लेकिन इससे बेटर अगर कहीं खाई हो तो आप बताओ। भाई कहीं पे भी दो बार बताता हूँ, एक तो मुझे पर्सनली नूडल्स पसंद ही नहीं, ठीक है, पर ऐसी नहीं खाई भाई, ये बहुत अच्छी ये है। आपको ना तो गले में लगेंगी, नहीं लग रही, और ना ही आपको भारी लगेंगी। आप पूरी प्लेट भी खा लोगे ना तो भी ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि आपने बाहर का ऐसे खाया है, ऐसे हो जाता है ना बहुत बार, अगर बाहर का कुछ खाओगे तो मतलब भारी भारी सा कुछ नहीं, लाइट। मेरे हिसाब से ये तीन लोग खा सकते हैं, आप दो लोग बोल रहे हो। हाँ, और ये फुल प्लेट है? ये हाफ प्लेट है। ये हाफ प्लेट है? ये हाफ प्लेट है, 120 का। इसमें मशरूम्स हैं, पनीर है, वेजीज हैं, वो तो बीटरूट है, स्वीट कॉर्न, सब चीज़, मतलब जो भी है। कमाल है भाई, नूडल्स आपकी कमाल है। थैंक यू। अगर जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी नूडल्स खाने आ जाओ, भाई ने कमाल नूडल्स बनाए हैं। और अगर आपने ऐसे नूडल्स इससे अच्छे खाए हैं तो नूडल्स फ्री हैं, और अगर आप एक शेफ हैं और इससे अच्छे नूडल्स बना सकते हैं तो भाई कितने का इनाम? 21,000 रुपये है ना, तो अगर उससे बेटर बनाओ और 21,000 ले जाओ, भाई से बेटर बनाओ, 21,000 ले जाओ बस। फ्री में 21,000 रुपए कमाने का आपका मन है तो इससे बेटर नूडल्स कोई भी भाई आ जाओ कहीं से भी, और 21,000 तो वो अलग है, आने जाने का खर्चा भी मैं दे दूंगा अगर कोई मेरा भाई दूर से आ रहा है। लो भाई, सरकारी नौकरी की तरह हो गया, एग्जाम देने जाओ और आपका फेयर सरकार देगी। मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, इसमें भी दिक्कत नहीं है ना, लेकिन बस ये है, आओगे तो मेरे को टाइम चाहिए, ये नहीं हो कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी नहीं। और एक अपना टेस्ट बता देना कि इस टेस्ट की पसंद है, इस तरह की मैं खाता हूँ, वो बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। भाई 25 किलोमीटर दूर से मैं आया हूँ। हाँ जी, 70 किलोमीटर वाला से मैं मिल लिया। हाँ जी, और कितनी कितनी दूर से लोग आए? अभी भाई बैठे हैं, सारे यूनिवर्सिटी से आए हैं। इनसे कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? तो मतलब लोग आ रहे हैं 150-200 किलोमीटर। बढ़िया भाई, नूडल्स कमाल है, पर आपने नूडल्स मेरे को बहुत ज्यादा दे दिए। कोई दिक्कत नहीं है, वो खा लोगे आप। अभी मैं उधर देख रहा था बाहर, अंकल जी बैठ के बॉयल आलू छील रहे थे। आलू का क्या होता है भाई नूडल्स में? नूडल्स में नहीं होता, उसका बर्गर होता है, उसका बर्गर बनाते हैं। अच्छा। हाँ, वो इवनिंग में बनाते हैं बर्गर, और बर्गर भी स्पेशल है, ऐसी बात नहीं है, बर्गर भी अमूल वगैरह में सेकते हैं, मतलब मस्त है बर्गर भी। हाँ, बर्गर भी ऑटो। वो किस टाइम मिलता है? वो इवनिंग में अराउंड 4-5 के बाद। और आपकी दुकान के टाइमिंग क्या है? मेरी 1 हो जाती है स्टार्ट, 1 PM। हाँ, 1 PM से नाइट 9 PM तक चलता है, और अगर कॉल कर दोगे कि भाई इतनी दूर से आ रहे हैं ऐसे हैं तो नूडल्स में बचा लेता हूँ, अलग रख देता हूँ उनकी सेपरेट, जब वो आएंगे 10-11 बजे तक भी मैं खिलवा दूँगा, कोई इशू नहीं। तो भाई कमेंट में बता दो आपने नूडल्स किंग पर आकर नूडल्स खाए हैं या नहीं खाए। दूसरा ये भी बता दो कि कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, और जल्दी जल्दी आ जाओ। भाई का नंबर मैं मेंशन कर दूँगा, इंस्टा आईडी मेंशन कर दूँगा, लोकेशन मेंशन कर दूँगा, फॉलो करके आ जाना। लोकेशन भाई ने बता दिया, डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद में मुराद नगर जगह पड़ती है, वहाँ से थोड़ा सा अंदर जाके रावली गांव पड़ता है, जहाँ पे भाई ने तहलका मचा रखा है, वहाँ से शुरू हुई है आग, पूरे देश में फैल चुकी है नूडल्स की। और मेरे हिसाब से मैंने ऐसे नूडल्स नहीं खाए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जल्दी जल्दी आ जाओ नूडल्स किंग पर नूडल्स खाने के लिए। ओके, जय माता दी। थैंक यू। जय माता दी। भाई कहाँ से आए हो आप? नोएडा। 62 नोएडा 62 सेक्टर। कैसी लगी नूडल्स? बढ़िया लगी, मजा आया। ऐसी खाई कभी? नहीं कभी। पक्का?
स्पेशल नूडल्स खाने आए या किसी और काम से? नूडल्स खाने आए हैं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, कोई ऐसे कुछ काम से घूमने करने नहीं, बस भाई नूडल्स खाने के लिए आए। मजा आया, बढ़िया एक नंबर बर्थ था बस। ठीक है भाई, थैंक यू।